भी उम्मीदवार के बिगड़े बोल। कन्नौज के चुनाव को बताया भारत पाकिस्तान मैच। बीजेपी में इतना जहर आखिर क्यों? किसे पाकिस्तानी बता रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो यूपी की इत्र नगरी कन्नौज, जहां भाईचारे की खुशबू बसती है, उसी इत्र नगरी में धर्म का जहर घोलने का काम बीजेपी कर रही है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। यूपी की कन्नौज सीट इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। कारण, अखिलेश का यहां से चुनाव लड़ना तो है ही, इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार और नेता सुब्रत पाठक का बयान भी वजह बन गया है। ये सीट सपा का गढ़ है। पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने और फिर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कमान संभाली और अब अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। इस खबर के बाद बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। अखिलेश भैया के भौकाल से बीजेपी चिढ़ गई। आलम यह है कि वोट पाने के लिए फिर से बीजेपी धर्म को बीच में ला रही है। भाजपा के उम्मीदवार ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया जिसके मायने शायद खुद उनको भी ना पता हो। कन्नौज की सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद अखिलेश मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक ने नामांकन भर दिया। सभी जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से हिंदू मुस्लिम और फिर जात पात की राजनीति करती है। हालांकि इस बात को पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। अब बीजेपी के उम्मीदवार कैसे इस छाया से अछूते रहते? बीजेपी प्रत्याशी ने अखिलेश यादव और अपनी चुनावी लड़ाई की तुलना भारत और पाकिस्तान के मैच से कर दी। मतलब सिर्फ बीजेपी में जो लोग हैं वो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, बाकी जो विपक्ष हैं या फिर दूसरे लोग हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान की ही मेंटेलिटी उनके अंदर बसती है। इतनी बेहुदी सोच सिर्फ बीजेपी की हो सकती है और बीजेपी वाले ऐसी बेहुदी सोच वालों को ही टिकट देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सुब्रत पाठक ने आखिर क्या कहा था। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा, पहले कन्नौज से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे थे, तब मुकाबला भारत बनाम नेपाल था, लेकिन अब जब अखिलेश यादव खुद आ गए हैं, ऐसे में मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का हो गया है और जीत हमेशा भारत की ही होती है। अब सुब्रत पाठक इतना बोलकर चुप कैसे रह जाते, क्योंकि अखिलेश यादव के मैदान में आने के बाद बीजेपी पूरे तरीके से बौखला गई है। इतनी बौखला गई है कि अब अखिलेश यादव का चेहरा देखकर ही चिढ़ गई है और दिल्ली से लगातार फोन किए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी के सभी समीकरण अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में आने के बाद बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले ये नहीं लग रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि थोड़ी थोड़ी अफवाहें ऐसी उड़ रही थी कि अखिलेश यादव कमान संभाल सकते हैं और या फिर डिंपल यादव को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जैसे ही ये खबर पुख्ता हुई कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, बीजेपी के हाथ पैर फूल गए, सांसे चढ़ गई कि अब अखिलेश भैया के विजय रथ को किस तरीके से रोका जाए। और इस बौखलाहट का, इस चिड़चिड़ेपन का एक उदाहरण बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के इस बयान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब तक तो वो सिर्फ अखिलेश पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब पाठक का कहना है कि पाकिस्तान से उनका मतलब किसी देश से नहीं था। उन्होंने कहा, यहाँ पाकिस्तान से मतलब किसी देश से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मतलब वो आतंकवादी, पाकिस्तान का मतलब भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान का मतलब हत्यारा। पाकिस्तान में इस समय हिंदुओं की आबादी को खत्म किया जा रहा है। 14-15 साल की बच्चियों को 70 साल के बुजुर्गों के साथ निकाह हो रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है और इसी प्रकार की अखिलेश यादव की प्रवृत्ति है। आज जो अखिलेश की प्रवृत्ति बता रहे हैं, शायद वो खुद अपनी प्रवृत्ति भूलते जा रहे हैं। खैर, बनाने के लिए तो 100 बातें बनाई जा सकती हैं। ये वही सुब्रत पाठक है जो 2009 में अखिलेश से पहले भी चुनाव हार चुके हैं। जी हाँ, चुनाव में अखिलेश यादव को 3,37,751 मत मिले थे। दूसरे स्थान पर बसपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश वर्मा को 2,21,887 मत मिले थे। वहीं भाजपा के सुब्रत पाठक तीसरे स्थान पर रहे, तब उन्हें 1,50,872 मत ही मिले थे। तो एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। खैर, जीतेगा कौन ये तो समय बताएगा, क्योंकि ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार ने बयान दिया है और खुद को हिंदुस्तानी और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को पाकिस्तानी करार दिया है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।